गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है जी आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इलियास एचबी न्यू व्लॉग में आपको वेलकम। तो हाँ जी, ये फ्रूट कट करके दिए हैं मिसेस ने और हम ये फ्रूट खाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारी तैयारी है बलूचिस्तान जाने की अपने दोस्त गुलफाम के साथ, जो कि मेरे समधी हैं। तो उन्होंने मेरे साथ ये काफ़ी सारी वीडियो शेयर की है, तो आज हम आपको बलूचिस्तान के खूबसूरत मनाजर दिखाएंगे और उसमें जितनी भी हमारे पास मालूमात है, कोशिश करेंगे कि हम पूरी मालूमात आपके साथ शेयर करें। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेहरबानी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप वाकई ही वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल व्यू दिखाएँ और बलूचिस्तान की अच्छी अच्छी सैर करवाएँ। तो जी दोस्तों, हम भावलपुर से बलूचिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं, तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, दूसरे दिन की खूबसूरत सुबह है और हम बलूचिस्तान में एंटर हो चुके हैं और ये वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं। हाँ जी, इस इलाके का नाम है रखनी। रखनी पहुंच चुके हैं हम। हाँ जी दोस्तों, कहीं कहीं के सरसब्ज पहाड़ हैं और ट्रैफिक कम है, लेकिन अचानक सामने आती है तो थोड़ा डर भी लगता है ड्राइव करते हुए।
तो रोड पे इतना तकरीबन रश नहीं है, लेकिन अचानक से ट्रक आ जाते हैं सामने से। हाँ जी, ट्रक भी माशाल्लाह खूबसूरत ट्रक हैं, यहाँ पे काफ़ी सजाए हुए हैं इन्होंने। तो रास्ते में से भाई ने एक पठान दोस्त है उनको साथ लिया है, तो उनकी ज़मीन का कुछ अफीसर हैं साथ, तो उन्होंने विज़िट करना है, उनका सर्वे करना है। और इस ब्लैक गाड़ी को हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये ब्लैक गाड़ी भी हमारे साथ है और इनके साथ साथ ही हमने जाना है। और ये भी अफीसर हैं और इनके साथ हमने जाके ज़मीन का विज़िट करना है। ये रखो आपका अपना है। तो ये पहाड़ भी आप लोगों को मिलते हैं? ये पहाड़ हमारे हैं। आपके हैं? जी। अच्छा अच्छा, इसकी कटाई कराते हैं कि नहीं? क्या करें? नहीं, ये आप लोगों को अलाट है कहीं पर? यहाँ पहाड़ अलाट नहीं होते, जमीन अलाट है। अच्छा अच्छा, पहाड़ अलाट नहीं होते। किस रकबे में ये पहाड़ आपके हैं? जी हाँ। उसकी बैग जो हमें आए हुए ना, ये मैंने जेट नैप क्रन करके लगाया। ऐसी वराइटी मिलते वो इससे बेहतर हो। आपका जो ऊपर गैप आता है ना, उसमें तो गैप आता है। ये आप बड़ी मेहरबानी कर दे सकते हो तो मैं साहब को बोलूँगा, जाएंगे भाई साहब के पास, हमें सिखाएंगे उसे। साकब ने आना है, गैप तो पता पता होगा। वो कलर काटन का जो मुकाफ के पहाड़ है जी जी, आज तक वहाँ कोई नहीं गया। अच्छा, वो किस जगह पे है? ये बस कुछ रशिया के बीच कह रहे हैं इस तरह। अच्छा, ना तो सूरज से आज तक चांद ना है, सूरज ना चांद तो तेरा उसे मतलब कही है कि इस तरह जन्म का एक ना चीज़ है कि। अच्छा, और वो पहाड़ इस तरह से मजबूत रहे कि जमीन के दूजे पहाड़ा ना रबता होना था थले खंड इस तरह बैलेंस किया है। कॉटन लगी हुई है, देख रहे दूर नजर आ रही है। ये तो लगी है तो बहुत ज्यादा Thank you.
तो जी दोस्तों, यहाँ से हम वापस अब कराची जाएंगे और कराची पहुँचने के बाद फिर फैसलाबाद और फैसलाबाद से फिर भावलपुर। और ये दोस्तों वो ब्रिज है जो चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बना है। और देखें ये सरसब्ज पहाड़ कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं बादलों को छूते हुए। तो ख़ासा यहाँ पे मौसम खूबसूरत है और हल्की हल्की बारिश हो रही है जी। बहुत खूबसूरत मंज़र है। तो ये बहुत बुलंदोबाला पहाड़ हैं और ख़ुदा की कुदरत देखें कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। और यहाँ से हम वापस पुल से नीचे जा रहे हैं। बलूचिस्तान रुतबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, क्योंकि इसका कुल रुतबा 347,190 मुरबा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के कुल रुतबे का 43.65 फीसद हिस्सा बनता है। ये सूबा महल वकू के लिहाज से भी पाकिस्तान का अहम तरीन सूबा शुमार होता है। इसके शुमाल में अफगानिस्तान, सूबे खैबर पख्तूनख्वा, जनूब में बहर अरब, मशरक में सिंध और पंजाब, जबकि मगरिब में ईरान जैसा मुल्क वाक़ है। और इसका 832 किलोमीटर रुकबा ईरान की सरहद के साथ मिला हुआ है। तारीख गवाह है कि बलूचिस्तान में पत्थरों के दौर से भी आबादी थी, और बलूचिस्तान की कदीम तारीख का अंदाज़ा आसारे कदीमा की दरियाफ्तों से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि 7,000 साल कबल अज़ मसीह के ज़माने की आबादी और सकाफत के निशानात मिलते हैं। सिकंदर आज़म से पहले इस खित्ते पर मुकम्मल तौर पर ईरान के हुक्मरान काबिज थे, और उनकी सल्तनत के दौरान बलूचिस्तान को माका के नाम से याद किया जाता था। तकरीबन 300 साल कबल सिकंदर आज़म। तो जी दोस्तों, रास्ते में ये काफ़ी बारिश होने शुरू हो गई है, तो बारिश की वजह से ड्राइव करना खासा मुश्किल हो रहा है, लेकिन दुआ कीजिएगा कि हम खैर खैरियत से घर पहुंच जाएं। दरावड़ और बरावी अभी यहाँ से सीधे फैसलाबाद जाएंगे, फैसलाबाद से फिर ये मशरक़ी भावलपुर, सिंध, पंजाब, सरहद खैबर पख्तूनख्वा की तरह अंग्रेज़ों की सल्तनत में नहीं था, बल्कि 1947 में कलात, बलूचिस्तान, मकरान, लसबेला और खारान की रियासतों पर मुश्तमिल था, जिस पर अंग्रेज़ों के नुमाइंदे निगरान थे।
कलात की रियासत जो कि उनमें सबसे बड़ी रियासत का दर्जा रखती थी, और उसके हुक्मरान खान कलात अमीर अहमद यार खान थे। उन्होंने पाकिस्तान के क़याम से दो रोज़ कबल अपनी रियासत को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करने का ऐलान कर दिया था और खुसूसी ताल्लुकात पर मज़ाकरात की पेशकश की। दूसरे तमाम बलोच सरदारों ने मुकम्मल हिमायत की थी और बलोचिस्तान की अलैदा हैसियत बरकरार रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने खान कलात के इन इकदाम को बगावत और सियासी चाल से ताबीर किया और उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बिल आखिर 1948 में खान कलात ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली और पाकिस्तान के साथ शमूलियत करने पर मजबूर हो गया।